हेलो एवरीवन, मैं राधा और मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम आज घी बनाएंगे। ये हमारी एक सप्ताह की मलाई है। इसे हमने बॉईल दूध करके रोज मलाई निकाल निकाल कर फ्रीजर में इकट्ठी की हुई है और हम बीच बीच में आधी चम्मच दही ऐड करते गए। हमने इसे एक घंटा पहले ही फ्रीजर से निकाल लिया था। पहले हम इसका मक्खन निकालेंगे और मक्खन से घी बनाएंगे। हमने हमारी मलाई को एक घंटा पहले ही फ्रीजर से निकाल लिया था और उसे अच्छे से फेंट लिया है। हम इसे मिक्सी जार में डाल के घुमा लेंगे। हमने मिक्सर में मलाई डालकर इसे घुमा लिया है। हमारा मक्खन निकल चुका है। हमने केवल इसे एक मिनट के लिए घुमाया था। ये देखिए हमारा मक्खन कितने अच्छे से निकला हुआ है। मिक्सी जार में घुमाने से बहुत जल्दी मक्खन निकल आता है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करके दूसरा भी अब हमें इसी तरीके से बची हुई मलाई का भी मक्खन निकाल लेना है। हमारी मलाई पतली थी, हमने इसे फेंट लिया था, इसलिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ठंड का मौसम है तो हम नॉर्मल ही पानी इस्तेमाल करेंगे। अगर गर्मी का मौसम हो तो हमें फ्रिज वाला पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने सेम प्रोसेस से मलाई से मक्खन निकाल लिया है। अब हम इसे भी डाल देंगे। एक बर्तन में हम नॉर्मल पानी लेंगे। अब हम मक्खन को छाछ से हाथों की मदद से अलग कर लेंगे। थोड़ा से हल्का से दबा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा छाछ है सारा निकल जाए। सारी छाछ हम दबाएंगे तो सारी छाछ निकल आना चाहिए। हमने छाछ में से मक्खन निकाल लिया है। अब ये छाछ बन चुकी है। अब हम इसे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे काला नमक डाल के पी सकते हैं, हम इसकी कढ़ी बना सकते हैं, हम बालों को भी इससे धो सकते हैं। ये कई प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम मक्खन से घी बनाएंगे। पहले हम इसे अभी तेज फ्लेम पे ही घी बनाएंगे, फिर मद्धा कर देंगे। ये देखिए हमारा घी, मक्खन में से घी हमारा बन रहा है। ये देखिए हमारा घी निकल रहा है। हमें इसे लाल होने तक पकाना है। मक्खन को देख रहे हैं आप, इसे लाल होने तक पकाना है। हमारा घी अच्छे से बन जाएगा। ये हमारा घी बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अच्छे से हमने पकाया है इसे, अच्छे से पका हुआ है। अगर हम इसी प्रोसेस से घी बनाएंगे तो हमारा मक्खन कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ रहेगी और हमारा घी बहुत अच्छे से बनेगा। आप इस एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए।
इस प्रोसेस से अगर घी बनाते हैं तो हम इसे ज्यादा दिनों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर हम इसे कम पकाएंगे तो घी हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर छन्नी से छान लेंगे। हमारा घी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। हमारी एक सप्ताह की मलाई से 250 ग्राम घी बन चुका है।